अपना दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के दसौर पिपरा में। ये लगभग 150 वर्ष पुराना यहाँ का जो है ये मेला है और यहाँ के जो आयोजन करता है वो हमारे बीच है। वर्तमान में वो पंचायत के मुखिया है। ये हनुमान नगर पंचायत कहलाता है, हनुमान नगर पंचायत का ये दसौर का है। मुखिया जी, क्या है यहाँ का जो है, यहाँ से आप बोल रहे हैं, किस तरह का यह मेला? यहाँ का मेला जो है तो पांचवी है, लेकिन यहीं आपको ऐसा देखने संगम है। हम लोग एक ही साथ तारा का पूजा भी हो जाता है और डेढ़ साल से हम लोगों का ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है। इतना बड़ा विशाल मेला होने के बाद यहाँ समस्तीपुर बाबा धाम है, सब यहाँ पहुँचते हैं और हर्ष उल्लास के साथ यहाँ जाते हैं। यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अभी ये कृष्ण जन्माष्टमी का समय है, लेकिन यहाँ पे जो है मूर्ति रखी हुई है और कुल मिला के कहा जाए तो हिंदू समाज में जितनी भी देवी देवताओं को पूजा जाता है उन सभी देवी देवताओं का रखा हुआ है। क्या कुछ है यहाँ हम लोगों का इसी में सब देवता को आराधना करके हम लोग इसको मनाते हैं और अपने आप करते हैं। दुर्गा को भी होता है, कृष्ण का भी हो गया, काली का भी हो गया, जन्मोत्सव धूमधाम से मना डेढ़ सौ वर्ष हमारा पूजा आ रहा है और उसी मतलब का हम लोग करते हैं। और यहाँ का हम लोग का मंदिर कृष्ण का है, वहाँ का मेन है पंचामी को वहाँ बनता है, वहाँ धूमधाम से बनता है और जब यहाँ भर चारों पहर का पूजा होता है। जो 150 साल से ये यहाँ लगातार मेला लगा रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी के समय में भी लगातार यहाँ मेला लगा रहा है, ऐसे मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? उनके द्वारा यहाँ पर उस समय में क्या कुछ हुआ था जो इस मेला को लगाने का यहाँ प्रयास किया गया था? नहीं हो रहे पूरा हुआ दो साल ग्राम कोई घर के अंदर रहता था, वहाँ हुआ। उसके बाद लगातार यहाँ पूजा होता रहा, मेला का आयोजन होता रहा, समय दर समय कृष्ण जन्माष्टमी का समय आता रहा। और एक बार जो जानकारी मिल रही है कि आपकी माता श्री कहाँ लगभग 20 साल से उससे हम लोग को अपना मन में बहुत ही धन्यवाद। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ जो 150 वर्ष पुराना जो ये मेला है इसके पीछे भी एक रहस्य है। रहस्य ये है कि इनकी जो परदादा है उस समय में उनको नाती हुआ था, नाती की मन्नत मांगी गई थी और जिस कारण नाती होने के कारण यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगाया गया और लगातार उसके बाद इस तरह के मेले का आयोजन होता रहा। इतना ही नहीं, कृष्ण जी के साथ साथ हिंदू समाज में जिन देवी देवताओं को पूजा जाता है उन सभी का यहाँ मूर्ति लगाया गया है और उन सभी मूर्ति को यहाँ जो है पूजा जाता है, उसकी आराधना की जाती है।